भाई म्यूजिक संगीत एक ऐसी चीज है, आप कितने भी उदास हो कितने भी निराश हो आप कोई गाना सुन लो जो आपका फेवरेट है सब उदासियां भाग जाती हैं, है कि नहीं है भाजी? आत्मा की गंदगी धुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए हर देश का अलग अलग म्यूजिक होता है, आपने कभी ओपेरा म्यूजिक सुना होगा, मुझे उनको कंसेप्ट नहीं समझ आया आज तक। एक लेडी खड़ी रहती ना मोटी सी गाउन पहन के, हाँ मुझे लगता है इस कंसेप्ट की शुरुआत तब हुई होगी कोई ऐसा बुजुर्ग जो इंजेक्शन से डरता होगा उसकी तरफ डॉक्टर इंजेक्शन लेके बढ़ रहा है। आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, वैसे तो म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती लेकिन जब हमारे पंडित भीमसेन जोशी साहब गाते थे लोग खो जाते थे, हम लोग उनके पांव के बराबर नहीं है लेकिन एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनको। जोरदार तालियां। राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है, तुम जब गाते हो कॉमेडी के शहंशाह कपिल ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता। अरे वाह, शुक्रिया भाई। हर एक कलाकार का अपना अलग स्टाइल होता है। हमारे एक और लेजेंड है एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, खड़का दो गाते ना तो ऐसा लगता है अभी भी सो के आए हैं, रिलैक्स है और साथ में कोई ना कोई उनकी मसाज कर रहा है। हाँ तो मसाज करवाते करवाते गाते हैं। हाँ एसपी साहब, वी लव यू। खैर पाजी, पहले मैं भी सिंगर बनना चाहता था लेकिन किस्मत ने तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में कोई और सपना देखा होता है लेकिन कुछ और बन जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगर बनना चाहते होंगे या कोई है यहाँ पे जो? जी जी मैडम। हेलो सर। हाँ जी सर, मेरा सपना था सिंगर बनने का पर बन नहीं सकी। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ मजबूरियां थी। क्या छत टपकती थी घर से क्या? क्यों नहीं बन पाई? मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगता है घर की लड़कियां गाना गाए। अच्छा, पिताजी को अच्छा नहीं लगता? पिताजी फिल्में देखते हैं? हाँ। तो जब कभी लता जी का आशा जी का गाना आता तो उठ के चले जाते हैं? नहीं। लता उनके बड़े फैन है वो। बड़े जालिम सिंह पिताजी हैं तुम्हारे। मतलब दूसरों की बेटियां गाए और अपनी बेटी गाए तो गाने नहीं देना। हाँ। मैं आपके पिताजी से बिल्कुल कहना चाहूंगा भाई साहब ये गलत बात है, बेटियों को भी उतना ही हक है। अगर बेटा कल को सिंगर बनना चाहता तो नहीं बने, आप शौक पूरा करिए हमारे। हाँ। आप गाइए, इनके लिए जोरदार तालियां। प्रिया, क्या नाम बताया आपने अपना? प्रिया तेजवानी। प्रिया आप बहुत तेज हैं, आपको पता है? ये जो आपके पिता ने बोला ना कि हमारी फैमिली में लड़कियां नहीं गाती, ये उन्होंने बहाना लगाया, एक्चुअली रीजन कोई और था। सर
आपने ये जो गाना गाया ना, आप उदित नारायण की बेटी भी होती ना तो भी ना गाने देते हो आपको। शुक्रिया। हर कोई अपने दिल का बादशाह। इसने गाना शुरू किया ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे धीमी गति के समाचार आ रहे होते हैं। आप बहुत अच्छा गाती हैं और यकीन करें मैं झूठ बोल रहा हूं। और मेरा कोई दोस्त जो जिसको लगता है कि हाँ मेरा सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, आप इस शो में गा सकते हैं जी। मोहतरमा, मोहतरमा रंग बिरंगी। हेलो सर। हेलो जी। मेरा नाम बुनीता परेरा है। बुनीता। हाँ, बुनीता परेरा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी सिंगर बनूं, मेरा खुद का एक एल्बम हो। ओके। पर वो पूरा नहीं हो सका। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई। शादी के बाद टेबल कटर खराब होगा क्या? अरे इससे क्या लेना देना, बड़े सारे सिंगर शादी के बाद हिट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे क्यों? बच्चे हो गए यार, तो बच्चों ने गला पकड़ लिया। हाँ, बच्चों ने गला पकड़ दिया। कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन बच्चे हैं? हाँ। तो एक बेबी कम कर लेती है, एक एल्बम निकाल लेती है उसकी जगह। बच्चों की जिम्मेदारी सच में फंस गई है, सासू माँ मना करती हैं? नहीं नहीं, मेरी सासू माँ तो बोलती है कि तुम्हें बेटा जो करना है तुम करो। तो आपने ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया है। मतलब चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू पुनीता। लगे रहो लगे रहो। एक हमारे बड़े खास दोस्त हैं, जापान से आए हैं जी। कोनिचिवा। हैं? कोनिचिवा। वाताशी नो नमाए वा उदय शर्मा दस। वाताशी वा निहोंग करा किमास्ता। भाई मैंने आपको कुछ कहा है? आप तो हंतनी हंतनी हो चुके हैं। आप बेसिकली तो इंडिया के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आपने जापानीज में क्या कहा मुझे? अपना नाम बताया पहले, उदय शर्मा। दो पेज का नाम था। क्या क्या बोला था आपने? नमस्ते को क्या कहते हैं नमस्ते में? कोनिचिवा। कोनिचिवा। हाँ जी। और गुड नाइट को ठोनिचिवा। ये अच्छा है। मतलब चीवा कहना कहना, कोनी मोनी घोनी डोनी धोनी, मतलब अपने हिसाब से लगाते जाओ। तो जापान में आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम? और नहीं तो। जापानीज लोग भी देखते हैं? सबटाइटल्स के साथ। हाँ। उधर आपको कोई जापानीज सॉन्ग आता है आपको? हाँ जी, मेरे को कुछ गाने आते हैं। खड़का दो फिर। ओके, तो एक आध गाना हो जाए फिर तेरा। है? यस सर। ठोक दे। क्यों कपिल नाइट्स हम आए, बहुत ओमोशिरो काता कपिल अंतोनी सुगो काता अकाई नो जुबो हाई तारी स्टाइल नी डांस तारी स्ट्रिप टीज मितारी क्यों वा ओमोशिरो काता अरिगातो गोज़ाइमाशिता। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तेरी तेरे को शर्म नहीं आती इस उम्र में खुशखबरियां सुना रही है? कैसा लगेगा तेरा बेटा तेरे पोते से भी छोटा, तेरे को शर्म नहीं आती? कल को चाचा सुसु करेगा, कैसा लगेगा भतीजा नंगे चाचा को थप्पड़ मारता? क्या कर रही है? अरे वो खुशखबरी नहीं बिट्टू, और वैसे भी वो खुशखबरी इस उम्र में कहां, इट्स टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। दरअसल भूल गई तुझे बताने के लिए, बाहर है ना मुझे कुछ लोग मिले, मुझसे पूछने लगे किसी क्लासिकल संगीत को जानते हो, तो मैंने कहा क्या? हाँ तुम्हें? तेरे दिमाग खराब, तेरे को पता क्लासिकल क्या होता है? हाँ, वो मुझे नहीं पता बिट्टू, बस मैंने उनसे ये भी कह दिया कि तुमने जाकिर हुसैन के पास सीखा है। तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता है जाकिर हुसैन साहब कौन है? पता है, गाइड है, ताजमहल के बाहर बैठ के तबला बजाता रहता है और बार बार कहता रहता है वहां ताज वहां ताज। दिमाग खराब है दादी का, हर जगह मेरे को फंसा के आ जाती तू। अब तुम्हें ही फंसाऊंगी ना, इस उम्र में खुद फंसूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? और ये समझता नहीं है सित्तू बाजी, अगर किसी को संगीत सिखाएगा तो घर में चार पैग आएंगे ना। पटियाला पैग, पटियाला चार पैग। पैसे आएंगे ना। हाँ, और सुन, उनको अपना नाम कपिल शर्मा मत बताना। क्यों? अरे उनको कहना कि तेरा नाम है पंडित कपिल शंकर। वाह वाह, ये क्या नाम हुआ? कैसे? ये नाम अच्छा है, कपिल शर्मा बड़ा कॉमेडियन सा नाम लगता है। हाँ। और ये ले, जल्दी से ले, ये शॉल उड़ रहे। लाल में कितने लाल 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 लगता है। पहले गर्मी लग रही मेरे को। क्या है? ये उतर दे, ये फेंक दे। अरे ये क्यों
गया है। ला 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 ला। ये भी लगा ले, लगा ले, लगा ले। ये क्यों पहना रही मेरे को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे मैंने उनसे कहा है कि बचपन से तेरी आंखों की रोशनी चली गई है। क्या? सुनास। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, सिर्फ ऑडियो के चक्कर में जिंदा है। तो अगर मेरी दादी ना होती, तेरी आंखें फोड़ के ना तेरे को लगाता ये चश्मा में। बटन कहीं की। तेरे को लोग आ गए। जो फोड़ना है फोड़ दे, जल्दी से बैठ जा, संगीत का माहौल बना दे। संगीत का माहौल क्या? उदित नारायण जैसा मुंह बना के बैठ जाऊं? जो बनाना है बना, लेकिन रियाज तो शुरू करो, आते ही होंगे। बैठ जा। शुरू कर। बात सुनिए। जी जी, आइए। यही है पंडित कपिल शंकर का घर। मेला लूट लिया। मैंने दो बार का आपको सुनाई नहीं दिया, उन्होंने एक बार का आपको सुनाई दी। कैसे? कहना कि बचपन से आंखें नहीं है तो मेरे को सुनाई नहीं देता है। सुनाई तो लेकिन कान से देते ना आपको, आंख से मतलब क्या लेने देना। जब आंखें नहीं है तो क्या पता कौन सा अंग किस काम के लिए आता है, नहीं ना पता लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मुंह से खाना खा लेता हूँ। लो बताओ, सारे मुंह से खाना खाते हैं, उसमें क्या है? नहीं नहीं, लेकिन किसी के मुंह से निकाल के तो नहीं ना खाते भाई साहब। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी वो एक्चुअली क्या है ना, जो इनकी माँ है, मतलब मेरे होने वाली सास जी, उनकी एक शर्त है कि मेरी शादी इनके साथ तभी होगी अगर मुझे गाना आता हो तो। जी ये सास है कि अनु मलिक है? ये कैसी शर्त रखती है उसने? देखिए आपको संगीत सीखना ना, उसका बेसिक सीखने के लिए भी आपको कम से कम 7 साल लगेंगे। 7 साल? जी। लेकिन बाहर तो मैंने देखा 6 साल का बच्चा बड़ा अच्छा गाना गा रहा था। वो बच्चा नहीं, हमारा पड़ोसी है कैलाश खेर, बच्चा लगता है। है नहीं? अच्छा वैसे आप बुरा मत मानिएगा, आपको संगीत का कितना ज्ञान है? संगीत का मुझे जितना ज्ञान है किसी को उतना ज्ञान ही नहीं है। गुलाम अली साहब को भी इतना ज्ञान होगा। सागर, मतलब सागर? आप गुलाम अली साहब से जाके पूछ लो सेकंड हैंड हारमोनियम कहाँ मिलते हैं, उनको नहीं बताएगा। लेकिन मैं गुलाम अली साहब का फैन बड़ा हूँ। मैं जो आदमी गुलाम होकर इतना अच्छा गाता है, अगर कहीं उसको औजाद कर दो तो वो क्या नहीं गा सकता। वैसे उस म्यूजिक में कितने सुर होते हैं? आप बताइए कितने चाहिए आपको? कितने चाहिए का क्या मतलब होता है? मतलब मेरे हिसाब से 7 सुर तो होते ही होंगे। नहीं देखिए ये सब बातें बनी हुई है जी, 7 सुरों में से करोड़ों गाने निकल सकते हैं, कभी नहीं निकल सकते। ये जो पुराने बुजुर्ग थे इनका मैथमेटिक्स वीक था, ऐसे फालतू में 7 बोल के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पुराने जमाने में 7 से ज्यादा गिनती आती नहीं थी उनको, अपने बच्चे भी ऐसे गिनते थे, ये 7वें के बाद वाला है, ये 7वें का छोटा, ये 7वें के छोटे के छोटा, ये 7वें के बड़े का बड़ा, बड़ बड़ बड़ा, बुड़ बुड़ बड़ा, ये सब होता था। बाकी टोटल जो सुर होते हैं वो होते हैं 81,15,527। कंफ्यूज हो गई मतलब। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जो कि करेक्ट है, एक हारमोनियम में 7 सुर होते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको आपकी बात मानता हूँ, एक हारमोनियम में 7 होते हैं, लेकिन दुनिया में देखिए ना कितने हारमोनियम है, सब में 7-7 डाल दो तो उस हिसाब से हो गया ना। वैसे आप मुझे किस टाइप का गाना सिखाएंगे? देखिए आप लेडीज हैं तो मैं आपको पहले लेडीज संगीत सिखाता हूँ। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे लगता नहीं इसको म्यूजिक व्यूजिक कुछ आता है, मेरे को तो शक हो रहा है। गुरुजी, गुरुजी दिलेर मेहंदी जी का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि वो ना अपनी कंपोजिशन भूल गए हैं। दिलेर जी आपने सारी मेहंदी तो अपने नाम के आगे लगा रखी है, 22 ईयर से मैं अपने हाथ पीले करने के लिए बैठी हूँ। खैर आप ये कंपोजिशन सुन लीजिए, गुरुजी को डिस्टर्ब मत कीजिए ज्यादा। हाँ जी दलेर जी, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग में है, कंपोजिशन भूल गए? हाँ वो ऐसी है, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन धाधामा। हाँ
ये गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मैं सुन चुका हूँ उस गाने को। हाँ तो पहले ठीक नहीं ना गाया, दोबारा से गा रहे हैं। पहले ये जो गाना था तुनक तुनक तुम धा धा धा, अभी मैंने गाना थोड़ा चेंज किया, तुनक तुनक तुम धा धा माँ। मतलब दादा माँ कर दिया आपने इसको, पारिवारिक बना दिया क्या इसको? जी जी जी, दादा माँ कर दिया। एक मिनट गुरुजी, कुमार शानू जी का फोन आ रहा है, वो कहते हैं कि वो अपनी टोन भूल गए हैं। हमेशा भूल जाते हैं। हेलो कुमार, हाँ सुनो, आपकी टोन ये है, ला 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 ला। अभी याद रखना, बार बार मैं टोन नहीं याद कराने बैठा, ठीक है? लेने जाओ भाई, किसका फोन है? थैंक यू। वैसे आप कौन है? जी मैम, हाँ मैं ना गुलाम अली जी के साथ नगाड़ा बजाती हूँ। गजल में नगाड़ा, ये कैसे हो सकता है? मतलब क्यों बे, पजामे में नाड़ा हो सकता तो गजल के साथ नगाड़ा नहीं हो सकता। ओ, फोन आया। हेलो, क्या नाड़ा खोला ही बेटा आज? नगर निगम? नहीं, सोनू निगम। हाँ, मैंने ठुमरी खाई तो थी तुम्हें कल। मम्मी जी क्या है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। गुरु जी क्या सिखाते हैं आप? संगीत सिखाते हैं? संगीत पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, क्या सिखाते हैं आप? कैसे इस उम्र में सीख रहे हैं? अरे बड़े ज्ञानी हैं, पिछले 60 साल से सीख रही हूँ, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, अधूरा ज्ञान है। क्लासिकल सीख चुकी हूँ, वेस्टर्न बाकी है। तुझे अधूरा रह गया, कर ले पूरा। इतनी सी थी तब से इनके पास सीख रही हूँ। इतनी सी तो कोई भी नहीं होती है वैसे। लेकिन एक बात बताइए, आप 60 साल से संगीत सीख रही हैं, ठीक है? आप बुढ़ी हो गई, लेकिन ये कैसे जवान अभी तक? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि पकड़ी गई। इसका जवाब पंडित जी देंगे गुरुजी। तो क्या है कि संगीत आदमी को इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है कि ये भी बड़ी बन गई, अदरवाइज ये 8-9 साल से ज्यादा नहीं उम्र इनकी। झूठ बोले क्यों हुआ काटे? ठीक है, आपकी ये लीजिए फीस। जी लाइए। एक मिनट, आपको कैसे पता चला मैंने आपको पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला? तो फीस बोल के जेब में से बादाम थोड़ी ना निकालेंगे आप। लाइए पैसे दीजिए। 5,000। चलिए आइए, गाना शुरू करते हैं भाई। आप इधर आइए, मेरे साथ बैठ जाइए। इधर मेरे साथ बैठ जाइए। हाँ जी। और आप दोनों का जहां दिल करे बैठ जाइए, ठीक है? इधर मत बैठिए, आओ आइए, गोदी में बिठा ले। पहले मैं आपको राग गिरदारी के बारे में बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि राग दरबारी होता है, राग गिरधारी कहाँ से हो गए? अगर इतने सुन सुना के आए हो तो इसको खुद ही सिखा रहे थे, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अब अगर आपने बीच में बोला तो ये समझ लीजिए, दिखाई भले मुझे नहीं देता लेकिन गंदी गालियां मुझे 2 आंखों से वाले से ज्यादा आती है। बाबा जी का ढुल्ला। इधर आओ, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। नहीं ठीक है, कम ऑन, हाथ गोद में बिठा ले, गोद में। कम ऑन, जितना उस्ताद के साथ फ्रैंक होगी उतना ही अच्छा म्यूजिक आएगा। हवा भरिए आप उसमें, हवा भरिए। मुझे तो लगता है वाओ। शर्मा जी नहीं, भार्गव गोत्र है हमारा, भार्गव। शट अप, मैं इनसे पूछ रही हूँ। भार्गव पंडित जी तुम कब से कथा सुनाने लग गए? कथा? ये कौन और ये क्या कह रही है? ये हमारी शिष्य है, ये हमारी शिष्य है। तो क्या है कि आपको पता ही है, कहावत सुनी होगी आपने कि गधे के सामने जितना मर्जी पनीर रखो खाएगा घास ही। तो
इसको 5 साल से सिखा रहा हूँ, सीखती नहीं है, उस चक्कर में थोड़ी सी पागल होगी। इसकी बातों पर ध्यान ना दे आप। पागल हो गए हो तुम, रोज एक नया नाटक शुरू कर देते हो। नाटक? पूरा डायलॉग आपने सुना नहीं, नाटक मतलब हम विभिन्न प्रकार के नाटक करते रहते हैं। हाँ? तो उसमें हमारी शिष्या गाती, लेकिन हमने इसको कभी गाने का मौका नहीं दिया। इस चक्कर में थोड़ा पागल हो रही, भड़क रही है। गुरुजी वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा। आपको पता है गुरुजी का घराना? ये कौन सा घराना है? मोहम्मद रफी जी। ज्यादा दूर मत जाओ, नजदीक आओ। जब तक वो इनके घर से चाय पीकर नहीं जाते थे, वो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे। क्या मोहम्मद रफी साहब कब चाय पी के गए, जब 10 दिन से मैंने चाय नहीं पी? तू चाय पी के क्या करेगी, तेरी कौन सी रिकॉर्डिंग है? चल अंदर जाके रियाज करो, चलिए। रियाज? अरे कौन सा रियाज, कहाँ का रियाज? शिष्या। ये शिष्या? हाँ शिष्या। तो चल के रहा है रियाज, रियाज होता क्या चल रहा है यहाँ पे? इसको क्या पता, ये तो कली पैदा हुई है। कली पैदा हुई और देखो आज साड़ी बांध लो इसी के, क्या घराना हुई है। Shut up! तुम एक काम करो, झाड़ू लो और जाले साफ करो। Okay, go! ठीक है, चल भार्गव, लग जा काम पे। एक मिनट, मुझे याद आया, मैं जाले थोड़ी साफ करता हूँ यार। नो नो। पता है, नहीं तो अपना घोंसला साफ नहीं कर लेता। घोंसला छोड़ो, मोहम्मद रफी पे आइए आप। अच्छा याद दिलाया, मोहम्मद रफी साहब कितना अच्छा गाते थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। तुझे आपको याद है गुरुजी? हाँ। आपके घर से चाय पीने के बाद उन्होंने वो गाने की रिकॉर्डिंग की, सब याद। सुपर हिट गाना। ये गाना तो किशोर कुमार ने गाया है। हाँ। क्या बात कही, क्यों? क्यों सपने सिर्फ किशोर जी को आते थे, रफी साहब सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी? एक सेकंड दादी। हाँ? सुनो, तुम ये आंखों में काला चश्मा लगा के क्यों बैठे हो? तो आंखों में चश्मा नहीं लगा, नेल पॉलिश लगाऊं, पागल है तुम? एक सेकंड पंडित जी, जरा मेरे साथ अंदर तो चलिए, मैं बताती हूँ क्या लगा के बैठना चाहिए। चलिए दो दो हाथ लगाते हैं, चलिए दो दो हाथ, दो दो हाथ मतलब पियानो पे रियाज करते हैं हम, दो हाथ लगा के उसी हिसाब से। भाई भाई मुझे तो दाल में कुछ पंडित नजर आ रहा है। आ? मेरा मतलब दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे यार। क्या दाल दाल कर रहा है? हाँ। शक्ल तो देख, दही का पकोड़ा लग रहा है तू। पकोड़ा दही का नहीं, कड़ी का होता है। जो भी हो पकोड़ा तो बोलो ना। अरे आप समझी नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि पंडित जी को ना गाना वाना सिखाना नहीं आता और उनकी कोई शिष्या भी नहीं है। उपवास का मतलब क्या बात कर रही हो तुम? मैं हूं ना शिष्य। अच्छा। वो मुझे सिखाते, क्या सिखाते हैं, हाय 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 हाय। अच्छा शिष्य हो। हाँ। तो ठीक है फिर गाना सुनाओ। नहीं नहीं, इस उम्र में मुझे गाना शोभा नहीं देता। सुनाएगी गाना भाई, ठोको ताली गाने के लिए। सुना ले दादी। कह रही है इस उम्र में मुझे गाना शोभा नहीं देता, तो क्या इतना जो गाना सीखा हमने मैयत के लिए सीखा है, उसमें गाओगी? चलो गाओ। गाने से पहले ऊपर वाले को याद कर लेती हूँ। ए बिट्टू। बिट्टू? आप ऊपर वाले को बिट्टू कहती हैं? ऊपर वाले का कोई नाम थोड़ी ना होता, ऊपर वाले को आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। अच्छा। चिंटू, सिद्धू, बिट्टू। सिद्धू? ए बिट्टू। मैं गाने वाली हूँ, मेरे गाने की लाज रखनो। मैं शुरू करती हूँ। कर कर। 1 2 3 लेडी है और आवाज मोहम्मद अजीज की निकल रही है, कैसे है? सुपड़ी में घुमड़ी। जब गाना ही मोहम्मद अजीज का है तो लता जी की आवाज में थोड़ी ना गाऊंगी। फिर से शुरू करती हूँ। मेरे हाथ रखने के बाद आपने बात गाया, ये कैसे?
हंसता क्या है? जाहिर सी बात है, जब लव जी बाद है तो बाद में ही आएगा ना। कंटिन्यू। वो पकड़ी गई है, गला रिलैक्स कर लो आप आराम से। मैं पुलिस को फोन लगा दो, पुलिस आती होगी यहाँ पे। आराम से वो ना आपके जो बैक स्टेज पे ऐसी दांत देगी ना पुलिस की, आपका बैक स्टेज एकदम मतलब ऐसा हो जाएगा, एकदम फूले नहीं समाएगा बैक स्टेज आपका। और जो गजले आप बैठ के गाते हैं ना, पहले इंसान होंगे जो खड़े होकर गजले गाएगा। जोरदार तालियां हो इनके लिए। अरे इस शो में ट्रेंड ही होगा एंड में भागने का। पैसे तो मेरे पास ही हैं, चलो हम भी भागते हैं। और नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं। रेडी 1 2 3। आज मैंने इतना बढ़िया काम किया है कि तुझे अपनी बुआ पे गर्व होगा। क्या हुआ, जुआ खेलना छोड़ दिया? वो नहीं। हाँ। वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तू बॉलीवुड से बुलाता ना सेलिब्रिटी। हाँ? मैंने हॉलीवुड से बुलाए हैं। क्या बात कर रही है, किसको बुलाया? जेनिफर लोपेज, शकीरा के, किसको? हाँ, ये कौन है? मैं तो हॉलीवुड के एक्टरों की बात कर रही हूँ। तो ये जेनिफर लोपेज कौन सा पंजाबी फिल्मों में आती है? ये भी हॉलीवुड की फिल्मों में आती है। आओ जी आया नू। वाह, ये दूध वाले बर्तन पे टोपियां कौन डाल के चला गया? नहीं नहीं, ये दूध वाले बर्तन नहीं है, ये स्मॉफ्स है। तूने कभी कोई अंग्रेजी फिल्म देखी हो तब तो पता चले। तू तो बड़ा टॉम क्रूज की गर्लफ्रेंड है। इतनी अनपढ़ है, सुधीर मैंने कहा बुआ आई लव यू, कहती आई के स्पेलिंग क्या होते? जा यार। फिर मुझ तेरे चुप कर। बिट्टू, तेरे को पता है तू छोटा था ना तब से ही मुझे बच्चों के सीरियल बहुत पसंद है। वो एक सीरियल आता था शक्तिमान, हाय रब्बा, वो शक्तिमान मुझे बहुत ही पसंद था। पिघल गई पराठे में मक्खन। शक्तिमान पता क्यों पसंद था इसको? क्योंकि हाँ। शक्तिमान और इसकी उम्र दोनों की सेम है। आप आज भी आदम के जमाने के। आप सेम कॉस्ट्यूम पहना दो ना दोनों को, पता नहीं चलेगा दोनों में से मुकेश खन्ना कौन है। चुप कर तू, शट अप शट अप। सिद्धू जी आपको पता है बच्चे इनके लिए पागल है। काश मेरे बच्चे होते ना तो मैं इनकी फिल्म दिखाने ले जाती, नहीं तो बिट्टू को ही ले जाती, पर 2 साल पहले इसने डायपर पहनना ही छोड़ दिया। ऐसे बोलते? तेरे बोल खोल रही है, पोतड़े खोल रही है तेरे। वैसे इनकी फिल्म कब लग रही है? 2 तारीख को लग चुकी है ऑलरेडी। हाँ। भाई वाह, फिर तो आप घर पे बैठ क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को लेकर जाइए स्मॉर्ट्स देखने, जोरदार ताली इनके लिए। कार्टून के पीछे पड़ गई। उस दिन तो मेरे को कह रही थी चाचा चौधरी के साथ जो साबुन नहीं आता उससे मेरी बात चला दे, लानत है मेरी बुआ पे। जस्ट बैग एंड ऑल मैन, don't play stupid all these things. Angrezi. So don't worry. Today I'm gonna sing a song for you, and this song is dedicated to my bro, my brother from another mother. Yes, please.
जयकारा कपिल शर्मा दा। अंगूर पिघलता है, अंगूर पिघलता है तो शराब हो जाती है, चिंगारी भड़कती है तो आफताब हो जाती है। जब सुनता हूं जमाने में नाम मिक्के का तो सिद्धू की छाती फूल के पंजाब। छाती फूल के पंजाब हो जाती है। बंदा कभी ऐसे ही मस्ती मजाक में थोड़ा यूं यूं कर ले, ऐसे ही इमेज खराब हो जाती है। Well, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं स्पेशली अपने दोस्त को मिलने आया हूं और सिद्धू पाजी को मिलने आया हूं। और ये शो इतना सुपर हिट जा रहा है, हर जगह इसकी इतनी गूंज है, इतनी चर्चा है, तो मैंने ये मैं पहला ऐसा लौता आर्टिस्ट हूं जिसने खुद कॉल करा यार मुझे इस शो पे बुलाओ। अरे भाई ये आपका प्यार है पाजी। पाजी का कोई गाना देख लो आप, देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, मौजा ही मौजा, कोई भी गाना ले लो आप, सारे हिट पे हिट गाने, हिट पे हिट, सारे हिट देने का आप ही ने ठेका ले रखा है। वेल मैं मुझे सिर्फ यही सिद्धू पाजी डर रहता है, जैसे मेरा एक दोस्त है हरभजन पज्जी, हाँ वो क्रिकेटर आप तो अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल वो तो कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है, हाँ अब ये दोनों गाना गाने चल रहे हैं, हाँ तो मुझे ये डर है कि मैं क्रिकेट तो खेल नहीं पाऊंगा और ना ही मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, ये मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं यार। दुकान बंद कर रहे हैं गुरु, कॉल कर रहा है। आप लोग कॉमेडी करो, क्रिकेट खेलो, गाना क्यों गा रहे हो यार सारे। चलो ये तो पाजी ने बात घुमा दी, लेकिन आज की डेट में सच्चाई यही है कि हिट मतलब मिक्का और मिक्का मतलब हिट। जोरदार ताली इनके लिए। आप देशों में देशों में जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, फैन तो करोड़ों है ना पाजी, ये अकेले हैं तो इतना प्यार कहां समेटते हैं आप? इतना प्यार जब मैं समेटने की कोशिश करता हूं तो कई बार एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता हूं। जब भी मैं पूरे वर्ल्ड का प्यार समेट के ला रहा होता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे रोक लिया जाता है कि यार इतना प्यार कहां लेके जाओगे। और सिद्धू भाजी कमाल की बात यह है कि जब से मैं पकड़ा गया हूं ना डॉलर के रेट बड़े हाई हो गए। नॉटी बॉय। पाजी जैसे आपके गानों के, आपकी आवाज के लोग दीवाने हैं, वैसे ही लोगों में एक चाह रहती है कि यार हमारा चहेता कलाकार जब हमारे सामने बैठा हो, हम उनसे बातें करें, हम उनसे कुछ सवाल पूछें, तो बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप एक एक करके। जी कौन बजवाएगा पुंगी? यस मैम। अरे वाओ मोहतरमा, ठोको सवाल। हाय सर, माय नेम इज रोशनी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू के कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर? वाओ इतने हफ्तों से हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, आज एक बंदा आया, आपके कॉन्टेक्ट में रहना चाहती हूँ मैं। मिर्चा लग गई अपने को। हमारा मोबाइल नंबर ले लो, उसमें क्या डिस्टर्बेंस आती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन। कैसा है? तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सांप होता ना सांप, तुम्हारी बैली तुरवा कर डंग मार दूँ। अपने आप पाप लगेगा मेरा क्या? जी कोई और है जो मुझे ऐसे जलाए? इससे पहले कि आप कुछ कहें, आई वांट टू से समथिंग, यू आर वेरी हॉट। मेरे को नहीं पता। हेलो सर, मेरा नाम कोमल है, मुझे आपसे एक सवाल करना है, कर सकती हूँ? हाँ जी कोमल जी, नमस्कार। नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए सर। लव यू टू। टेल मी व्हाट इज योर फीलिंग? अंग्रेजी। ओके सर, राखी सावंत में आपने ऐसा क्या देखा जो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए? Oh, Mr. Mika, आपका मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या पूछा आपने?
राखी सावंत में आपने ऐसा क्या देखा जो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए? मैंने ये नाम ही नहीं सुना कभी आज तक। मुकर गया, मुकर गया। कोई पॉलिटिक्स है? सॉरी, पॉलिटिशियन है। कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पॉलिटिक्स आप करें, पर हम क्या बताएं कौन है पॉलिटिशियन? झूठ बोला कौवा कहते। ओके, अगर आपने पूछ लिया तो हम बता देते हैं। कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं। और कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे भी पतंग उतार के लाते हैं। वाहेगुरु जी सो, ओए नो इफ नो बट ओनली जट। इतनी कोमल होके इतने हार्ड सवाल पूछती है। बम बम, ये बम फट नहीं था, तुमने फोड़ा, ठीक है। अब मुझे आपके साथ एक डांस करना है। ओए आए आए, आ जाओ। सारा कुछ अच्छा चल रहा था, ये कह के ना तूने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया। मीका भाजी, मैं एक बात करना चाहूंगा। करो। आपने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया, कसम से बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी वेल मीका भाजी, वेरी वेल सॉन्ग। कोमल, कोमल इधर आओ ना, कोमल। ये हग इसमें, और इससे पहले जो गाना गाया था आपने, ये हग इसने आपको करी है ना। अब जो आपका दिल करता वो आप मुझे करवा, प्लीज करो। फिर जला दिया, फिर भूल गया तू, फिर मिर्ची लगा दी। पागल बांदरी जी, आगे से मेरे साथ बात नहीं करनी। कटी, डोंट टॉक। हर कोई कोमल जैसा या रोशनी जैसा बेवफा नहीं होता जो हमारे शो में आके हमें ही भूल के मीका के साथ डांस करना है। कुछ तो रही होंगी इनकी भी मजबूरियां। वाह, कुछ तो रही होंगी इनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के कोई बेवफा नहीं होता। वाह वाह। नहीं पाजी, बुरा लगता है ना पाजी, मैं इतने एपिसोड से आया हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा मीका जी आपके साथ डांस करना है। वो क्या पंडित बिरजू महाराज जी से सीख के आए? चलो भाई। हाँ जी भाई, हमने, चलो छोड़ो यार गुस्सा, और कोई मेरा भाई है कोई? लाल टोपे वाला कहा श्रीनगर में बर्फ पड़ रही, क्यों टोपी पहनी है? सर जी, मुझे, मेरा नाम सचिन है, मुझे ये सवाल पूछना था। आपका जो डांस स्टेप है, जो सर आप गाना गाते हो, डांस स्टेप जो करते हो, वो मेरा बहुत फेवरेट स्टेप है सर। वो वाला आपके साथ, आप एक कहाँ से सीखा सर आपने वो स्टेप? चलो मैं आपको डांस करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने बड़ा कम डांस करके दिखाया सभी को। मैंने बहुत पहले जैक्सन, माइकल जैक्सन जो मेरे उस्ताद हैं, तो उनकी एक साइड वॉक जिसको हम मून वॉक बोलते हैं, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। तो मैं वैसे तो बहुत कम डांस करता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता तो मैं ये एक स्टेप मार देता हूँ, या फिर यूं ये। और कपिल भी बहुत अच्छा डांस करता है। करी करी करी।
जी, कोई हमारा कोई जब फेवरेट होता है तो हमारे अंदर ना चाहते हुए भी उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं उनका स्टाइल आ जाता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लड़के हैं जो अपने आप को मीका समझते हैं। तो कहाँ है भाई साहब, कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, आइए आइए, एक ये है और जी। तो पाजी, ये चारों आपके फैन हैं। वाह जी वाह। तो आप वन बाय वन करके परफॉर्म करेंगे और आपको सिर्फ मीका पाजी के स्टाइल में ही गाना है। तो जिसने सबसे अच्छा गाया, जो सबसे बड़ा मीका का फैन निकला, मीका पाजी उसके साथ डुएट सॉन्ग गाएंगे। थोको डाली, क्या बात। आपका क्या नाम है भाई साहब? निखिल। निखिल जी प्लीज, तो बजा। चलिए, शुक्रिया निखिल जी। भाई साहब, ये बंदा तो मेरे को बाली वाली पहनी खतरनाक सिंगर लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। Anyway, next भी फैंस हैं सर आप। हाँ, तेरी हुए। ये तो घराट राग गाया तूने। वाह, आपने बहुत ही अच्छा टाइम वेस्ट किया। मीका जी, मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ। गाइए बेटा, गाइए गाइए, खड़का खड़का के। सेम स्केल देना जरा। अभी देखिए, मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं, देखिए। 1 2 3 टैप। मीका भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको अपना चारों फैंस में से बेस्ट कौन लगा, आपको लगता हो कि हो, जिसने वाकया ही मीका को अपने अंदर बसाया हुआ है? मैं एक एनजीओ रन करता हूं जिसका नाम है डिवाइन टच,
और उसमें मोर देन 3000 गर्ल्स पास आउट कर चुकी हैं अभी तक. उन्होंने उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर कोर्स कराते हैं. सो मैं हमेशा गर्ल्स को ही सपोर्ट करूंगा. तो मैं चाहूंगा कि यू आर द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. इन चारों के लिए जोरदार तालियां. बिच्चू कहां है बैड बॉय? अरे अच्छो अच्छो की जुबान ठीक कर दियो मैंने. बड़े आए दादी, वो इस काम में खुद बड़े एक्सपर्ट है. ये बिल्कुल. ओ दादी, जो दिल में आए ये बंदा बेछूट करता है. हाँ. प्रेम के हथियार से दिलों पे लूट करता है. हाँ. इसे देख के कहा है बच्चन साहब ने. हाँ. जुम्मा चुम्मा वाला गाना मिक्का पे सूट करता है. वो तो बैड बॉय बोल रही. खुद की हरकतें देखी तूने? और ये क्या बन के घूम रही है तू? ये बन के क्या घूम रही हो? क्या कर रही हो? क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें बता दूं, दरअसल क्या है ना, मोहल्ले के एक लौंडे से मैंने बाइक ली और ड्राइव पे चली गई थी. और क्या, मुझे पता ही नहीं चला, स्पीड अपने आप बढ़ गई. पुलिस वाले ने 500 का चालान लगा दिया. क्या झूठ बोली दादी? 500 रुपए का? 100 रुपए लगता है तेज चलाने का. अरे मेरा तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था ना. टल्ली टल्ली चल्ली टल्ली. खुद तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही हो तू. चलिए, तू मीका को बैड बॉय बोल रही थी. पाजी, गाने तो आपके हिट हैं. जी पाजी. लेकिन हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि बहुत ही थोड़े समय में आपकी एक फिल्म आ रही है एज एक्टर. तो अभी तक आपने सबने मीका पाजी को गाने गाते देखा, किसी ने एज ए एक्टर नहीं देखा. काटा जी, तो मंच भी है, कलाकार भी है, क्यों ना हो जाए, क्या बोलते हो? आगाज हो. तो शाहरुख खान साहब की फिल्म. ये है शाहरुख खान, आप हो दीपिका पादुकोण. सेक्शन 1 2 3 एक्शन. और सबको गंदी हरकतें करती थी. और नहीं पाजी, आपने फिल्म खराब कर दी. वो शाहरुख है, आप दीपिका हो. पाजी, अगर ऐसा शाहरुख होगा तो ऐसी दीपिका मिलेगी इसको भी. एक बात तो साबित होगी बिट्टू, लाख कोशिश कर लो लेकिन ये कभी सुधरेगा नहीं. नहीं सुधरेगा. गुस्से में गई है दादी. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाजी ने बोल दिया मेरे सबसे बड़े फैन ये हैं, वो है फलाने. लेकिन मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं पाजी. लेकिन मैं दलेर पाजी का जितना बड़ा फैन हूं ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो. दलेर पाजी का गाना होगा, मिक्का पाजी गाएंगे साथ में. लेकिन शुरू में करूंगा पाजी. एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे बड़े भैया की बदौलत हूँ. वाह भाई वाह 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 वाह. तो मैं थैंक यू दलेर पाजी, वी बोथ लव यू.
खुल के तालियां मीका सिंह के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.